एक साधक ने प्रश्न किया है, भक्ति मार्ग में साधक का पतन नहीं होता है, तो पतन से क्या तात्पर्य है? पतन शब्द का वैसे तो साधारण सा शाब्दिक अर्थ है पतन का गिरना, लेकिन भक्ति मार्ग में पतन का अर्थ है अवनति, इसका भावार्थ है पतन से ऊंची अवस्था में उठने के बाद फिर से नीचे स्थिति को प्राप्त हो जाना, नीचे की स्थिति को, यानी निंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाना, दयनीय दशा को प्राप्त हो जाना। अभी जो हम लोगों की स्थिति है वो पतन की ही स्थिति है। ये जो हम 84 लाख में भटक रहे हैं और भवाटवी में घूम रहे हैं, 84 लाख का चक्कर लगा रहे हैं, दिन रात माया के थपेड़े सह रहे हैं, ये घोर निंदनीय और दयनीय अवस्था है हमारी, ये पतन की ही स्थिति है। तो ये जो कहा गया है कि भक्ति मार्ग में साधक का पतन नहीं होता, वो उस साधक के लिए कहा गया है जो शरणागत रहता है। पतन तब नहीं होगा साधक का भक्ति मार्ग में जितनी देर वो शरणागत है, जितनी उसकी शरणागति होगी। ये जो आप लोग सुनते हैं कि भक्त को उपमा दी गई है, बिल्ली के बच्चे के समान जब वो बन जाता है तब भगवान सदा सदा के लिए उसका ठेका ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि ज्ञानी को बंदर का बच्चा कहा गया है और भक्त को कहा जाता है बिल्ली का बच्चा। क्यों? क्योंकि बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदरिया को स्वयं पकड़ता है, अपने बल से वो अपनी माँ को पकड़ता है। छोटा सा बच्चा बंदरिया का, जब बंदरिया को कहीं जाना होता है, वो खड़ी हुई कहीं जाने के लिए, वो अपने बच्चे को नहीं उठाती, उसकी चिंता नहीं करती। जैसे ही उसकी माँ खड़ी हुई, बच्चे को पता है कि ये कहीं और जाने वाली है, तुरंत चिपक जाता है, अपने हाथों से पकड़ लेता है अपनी माँ का पेट। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि माँ उसको नहीं पकड़ती, बच्चे ने पकड़ा है, तो उसकी पकड़ तो कमजोर होती है, छोटा सा बच्चा है, कितनी ताकत है उसमें। तो जब उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा नीचे गिर जाता है, क्योंकि माँ तो निश्चिंत है, वो अपने बल पर उसने माँ को पकड़ा है, इसलिए माँ उसकी केयर नहीं करती। लेकिन बिल्ली का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को स्वयं नहीं पकड़ता, वो निश्चिंत पड़ा रहता है, उसकी माँ को जहां जाना है वो मुंह में दबाकर अपने बच्चे को उठाती है बिल्ली, और जहां ले जाना है वहां ले जाती है। तो अब जब माँ ने बच्चे को पकड़ा है तो माँ तो उसको बहुत सावधानी से पकड़ेगी, इसलिए उसका पतन नहीं होता। तो ऐसे ही ये जो भक्ति मार्ग के लिए कहा गया है कि भक्ति मार्ग में साधक का पतन नहीं होता, तो ऐसे तो हम सब लोग भी भक्ति मार्गी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पतन नहीं होगा। ऑलरेडी हम तो पतन को प्राप्त हैं ही, लेकिन अगर हम अच्छी साधना भी करते हैं तो तब तक वो टिक सकती है जब तक हम हरि गुरु के शरणागत हैं। जितना जितना कर्तृत्वाभिमान समाप्त होता जाएगा, जितनी जितनी हम अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंपते जाएंगे, जितना उन पर विश्वास होगा, जितना उनकी शरणागति में रहेंगे, उतनी वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हम पूरे भक्त नहीं हैं, तो पूरा ठेका भगवान हमारा नहीं ले सकते कि तुम्हारा पतन नहीं होगा, साधना में उन्नति करते जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये पतन उसका नहीं होता जो पूर्ण शरणागत है, भक्ति मार्गीय साधक जो पूर्ण शरणागत हो गया, अब उसका अनंत काल के लिए ठेका भगवान ले लेते हैं, और साधनावस्था में भी वो हमारा ठेका लेते हैं, हमारी संभाल करते हैं, लेकिन शरणागति की मात्रा के अनुसार।
शरणागति बिल्कुल कम है हमारी, तो बस उतनी ही कृपा मिलती है। हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं से अहंकार दबोच लेता है, कहीं से कोई कुसंग हावी हो जाता है। देखिए कितने साधक पहले तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, प्रवचन सुनकर के कितने लोग जुड़ते हैं, उसके बाद भी कितने दिनों तक संपर्क में रहते हैं। श्री महाराज जी के दर्शन भी किए उन लोगों ने, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें से कितने लोग रह जाते हैं। पतन का मतलब थोड़ी उन्होंने साधना की, थोड़ा सा आगे बढ़े, महाराज जी के दर्शन भी किए, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार भी उनको ये फल मिला, और इस जन्म में भी कुछ प्रयास उन्होंने किया चलने का, लेकिन चूंकि शरणागति अधिक नहीं थी, कहीं बुद्धि लगी, कहीं कुसंग मिला, कहीं कुछ हुआ, और वो वहीं के वहीं रह जाते, पीछे हट जाते हैं। कई लोग तो 10 बार श्री महाराज जी के यहाँ से होने के बाद ऐसा पतन होता है कि विरोध करने लगते हैं। शुरू शुरू में इतना तेजी से बढ़ते हैं कि उनको लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं चले जाएं। ऐसे ही एक साधक हमारे सत्संग में भी थे। श्री महाराज जी के सत्संग में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, अप डाउन चलता रहता है शरणागति के अनुसार, तमाम नए साधक आते हैं, तमाम टूटते और जाते रहते हैं, क्योंकि हर साधक का ठेका हरि गुरु नहीं ले सकते जब तक शरणागति नहीं। तो ऐसे ही एक साधक यहाँ के भी थे, दौसा के ही, एक एक महीना वो वहां रह करके आए मनगढ़ में, इतनी साधना की, भूख थी तभी तो टाइम निकाला, पैसा भी खर्च किया, आगे भी बढ़े, कई बार दर्शन करने गए, पूरा पूरा महीना साधना शिविर भी अटेंड किया, लेकिन बस थोड़े से कुसंग से वो ऐसे 9-2-11 हुए कि आज तक उनका कुछ पता ही नहीं, फिर कभी सत्संग में आए ही नहीं। तो पतन का शाब्दिक अर्थ तो होता है गिरना, लेकिन भावार्थ इसका ये है कि ऊंची स्थिति से नीचे की स्थिति को प्राप्त होना। हम साधना में उन्नति कर रहे हैं और धीरे धीरे किसी कुसंग से पतन हुआ तो हमारी अवनति हो गई, हम डाउन हो गए, फिर संसार में आसक्त हो गए या हरि गुरु के विरोधी हो गए, तो ये पतन कहलाता है। तो ये पतन उस साधक का नहीं होता जो पूर्ण शरणागत है भक्ति मार्ग में। और बाकी जो हम लोग हैं जिन्होंने अभी प्रवेशिका में दाखिला लिया है, तो हमारे लिए हमेशा का ठेका तो हरि गुरु नहीं ले सकते, लेकिन जितनी जितनी हमारी शरणागति की मात्रा होती है उतना उतना वो योगक्षेम वहन करते हैं। ऐसी दयनीय अवस्था में भी वो रक्षा करते हैं, हमारे कुसंस्कारों से लड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं हरि गुरु हमारे लिए, लेकिन वो सब शरणागति की मात्रा पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें पतन से बचना है तो पतन का अभिप्राय समझ करके शरणागत हो करके साधना करनी है, तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए अपनी शरणागति पर ध्यान देना है। फिर हमें अपनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं डाउन तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी साधना चौपट तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई कुसंग कोई मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा। ये सब चिंताएं करने के बजाय अगर हम एक सीधा सरल रास्ता अपना लें कि हमने तो अपने जीवन की डोर उनको सौंप दी है, अब वो संभालेंगे, ये शरणागति अगर हम बढ़ाने का प्रयास करें तो हमें पतन के विषय में कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, वो हमारी रक्षा फिर अपने आप करेंगे। साधनावस्था में भी करते हैं शरणागति की मात्रा के अनुसार।